कभी कभी लाइफ हमें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से दूर दूर तक देखकर बस ऐसा लगता है जैसे कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक खुशी मिलती है अलग सी, और वही खुशी डबल हो जाती है जब उस खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने दोस्त अपने साथ खड़े हों। ऑन द नेक्स्ट लेग ऑफ माय गोवा एडवेंचर आई वेंट आउट एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेस इन साउथ गोवा कॉल्ड कोला बीच। इस बीच की वाइब्स बहुत ही अलग हैं एंड व्यूज तो नेक्स्ट लेवल। सो प्लग इन योर हेडफोन्स एंड सिट टाइट व्हाइल आई टेक यू थ्रू दिस ब्यूटिफुल जर्नी। सो फाइनली आई थिंक सब लोग सुबह 8 बजे के उठे हुए हैं और सुबह से प्लान बन रहा है टू गो आउट। अभी जाके मौसम थोड़ा सही हुआ है, आई थिंक गोवा ने थोड़ा आलसी नहीं कर दिया है, मतलब थोड़ा नहीं काफी इसने आलसी से जाम रहते हैं। हम लोग लिटरली कितने 20 दिन हो गए यहाँ पे या 25 दिन पता ही नहीं, मतलब घर पे ही रहते हैं, सुबह से कुछ करते नहीं है, घर पे चिल मारते हैं। बट फाइनली आज हम लोग बहुत ही क्रेजी चीज़ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग आउट फॉर कैंपिंग, कैंपिंग एट कोला बीच विच इज नॉट, आई मीन इट डज नॉट हैव मेनी पीपल एट द मोमेंट। सो हम लोग अभी डिकैथलॉन जाएंगे, टेंट खरीदेंगे और फिर कैंपिंग करेंगे एट सम बीच। Are you excited? Yes, bro. Yes. A lot. Yes. Let's go. Too much excited. देख रहे हो? Let's go. हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग टुवर्ड्स डिकैथलॉन। Now that we have finalized on tent, we are going for this 3-people tent and we are taking 2 of them. So the next step is we need to learn how to set up a tent. आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? कच कच, ये देख रहे हो नीचे सीट की उसके आ रही है। हाँ कुछ तो रिकॉर्ड रहा है सीट पे। अच्छा इसका आ रहा है। किसका? गोरिल्ला बोर्ड। ओह वी गॉट अ लिटिल लेट टू कैप्चर द सनसेट एट द बीच। But man, the drive towards the beach during sunset was something much more than just beautiful. Drive was amazing, views are amazing, the beach looks amazing, but we'll try to capture at least few glimpses of this beautiful beach. So we'll reach there. बहुत ज़्यादा वाइब है यार, लुक एट द कितना क्लियर बीच है एकदम, मुझे अंडमान्स की याद आ गई यार। स्टैंडिंग ऑन दैट रॉक आई कुड फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फॉर पुशिंग माई सेल्फ टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन टू कम एंड विटनेस दिस ब्यूटी थ्रू माई आईज, एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। I have been to many beaches in India, but this one is surely going to top the list of my favorite beaches. So basically, थोड़ी सी बीटी आ गई है। हम लोग थोड़ा late चले थे अपने घर से, like we left at around 2:30,
एंड हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा लेट पहुँचे, बट हमारे पास एक रूम बुकड है इस प्रॉपर्टी में जिसका नाम है ब्लू लगून. हमने booking.com से बुक किया था, बट दिस पीपल आर सेइंग कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, विच इज़ वेरी अनोइंग. तो अभी हमारे पास आइडियली एक रूम है जो कि नहीं है, और हमारे पास टेंट है जो पिच करने के लिए जगह भी नहीं है. नोबडी इज़ लेटिंग अस पिच द टेंट एज वेल. सो अभी पता नहीं है क्या करेंगे, पूरी रात बची हुई है, बट आई एम श्योर लाइक वील फिगर आउट समथिंग और द अदर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल. You just need to learn how to manage. I don't know how will you manage. How will you manage? So basically, we have three options, right? Either they will allow us to stay here, or we'll go back, or we have the last option as well. We can go there, and you know they can allow us to set up our tent, and we can stay there. So do you like, think we can go back on those roads at this time? It will be difficult, but like it will be the last option. I would say that this is the first option because it has vibe here. Yeah. They're not lying us. We spoke to the manager and managed to get one room for six of us. So this is our room for the night. Somehow, छह लोग यहाँ पे manage करने वाले हैं. Let me show you the room. Fancy. This is the room for the night. Looks pretty cool and cozy. So finally guys, this is a setup. We just set up a tent. We wanted to do this. This is my first time setting up tent, and the good thing is it looks perfect. It what looks are your opinion, man? Kitna sahi setup kiya, kitna perfect. Macha diya humne. Macha diya yaar ekdam se. Aur 5-10 minutes. Just 5-10 minutes mein dekh rahe ho ekdam se. Sorted. What about you, man? Do log to bahut aaram se matlab chaud mein so sakte hain yaar. Sorted hai. Morning at Kola Beach. That sound of waves crashing on the rocks. That sound of birds chirping around. That calmness in the air. We were just amazed to see what we saw on a camera. And trust me, this was one of the most beautiful sunrise I have captured through my drone. I was just in love with this place, and I just didn't want it to go. We started packing and just went out exploring the beach for a while. It was very clean, very beautiful, something you get to see very rarely, at least in India. All right, so now we are heading out. A little bit about this beach. This beach is really peaceful, really nice, less crowded. But on a serious note, like I think you can spend good 2-3 days, like a weekend trip. But क्योंकि beach बहुत small है तो पता नहीं मतलब ज़्यादा दिन के लिए कैसा रहेगा. But yeah, the beach is really nice. This is actually my favorite place. And at night, the sky was lit up with stars. It was lit up with stars. I thought that it would be a bit uncomfortable sleeping in the tent and everything in the camp, but it was so comfy. It was more comfy than the room inside, because inside it was cold and out it was chill and warm, and it was just a vibe. Yo guys, what's up? So we are going from here. काफी सही मजा आया, काफी chill scene है, और beach बहुत सुंदर है यार ये. The water is blue and there's mountain at this side, so it's pretty rocky and like plain beach. और beach साफ भी बहुत है. Like we went to the beach and it was very clean. So guys, if you're visiting it, please keep it clean and keep the vibe alive. Vibe, let's go.
जाने का मन तो नहीं कर रहा था बट जाना पड़ता है। Everybody was getting super hungry and we decided to take a halt for having our lunch. So finally we have stopped for having our lunch. We went to the Cabo de Ram fort but then we all decided to come here first and have lunch because everybody is super hungry. This is place called as Fisherman something something family restaurant. I'm not sure how the food will be, I just hope it's good. And we are all very hungry, so let's just eat something. How was the bike ride? Bike ride was amazing. मैं वो गाना गा रहा था, मुझको ही आज मुझसे मिला दे, एकदम फील आ गया मेरे को रणबीर वाली। बाकी मुझको क्या? मुझको ही आज मुझसे मिला दे, वो वाला गाना नहीं है रणबीर पे जो होता है, मैं चला रहा हूँ। आज मुझसे मिला दे। हाँ वही वाला। सुबह से ना एक आलू मिला है ना बिका है आधा कांदा, वही वाली बात कर दी इसने तो। लंच करते उसके बाद कहीं जाएंगे यार कुछ खाने के लिए, है ना? बहुत भूख लग रही है, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ। लेट्स हैव लंच एंड देन वी विल शूट। Aloo gobi is really nice. How is the food? Best butter chicken in Goa. Badhiya, khana kaisa hai? Ek number gobi aloo nahi hai bhai, kuch butter chicken lag raha hai. So guys, we just done with our lunch and सब कुछ इतना गर्म हो के रखा है, like धूप बहुत ज़्यादा हो के रखी है, अभी सर भी गर्म हो गया है, गाड़ी भी गर्म हो गई है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है अभी, बट यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ खड़े रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वॉट वी आर प्लानिंग इज वील गो टू द फोर्ट, वील टेक सम शॉट्स ओवर देयर, ऑल्दो फोर्ट जाते ही हैं, लेट्स गो टू द फोर्ट एंड सी हाउ द फोर्ट लुक्स लाइक एंड देन वील प्रॉब्ली हेड बैक। This place is known for a view, जो कि ये view है, which is actually very nice. This is the view from here. I am so glad that we made that call of visiting the fort. This view was totally spectacular, something totally worth taking that effort in this hot sunny afternoon. But it was getting super hot and everybody was tired, so we decided to head back to our villa. Visiting South Goa was probably one of my favorite experience from this whole Goa trip. I am definitely going to visit this place again and share more stories with all of you. And that's all from this video. I hope you all had fun watching this video. If you liked it, then do hit that like button and share it with your friends. It really helps spreading the word. And do hit that subscribe button. It motivates me to create more. And we are almost about to hit 200,000 subscribers. So thank you all. Keep sharing the happy vibe. And I'll see you soon in my next video. Until then, peace. On Ella say mozzarella. Mozzarella say vanilla. Vanilla or vanilla say onion. Onion kahan se aa gaya? Onion kahan se aa gaya bhai? Onion kahan se aa gaya? Onion onion har din chahiye hota hai yaar. Onion is amazing. Ye chal kya raha hai? Chill hai bro. Saman chill. Sab tumhari taang kheechte rehte hain. Kyun? Lambi hu main kaafi. लड़के नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा लंबी हो जाऊंगी तो। वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में वो नहीं होती है जो वो फेक एक्सेंट वाला हिंदी। हाँ फेक एक्सेंट लग रहा है यार। हिंदी, सही हिंदी है यार। फेक एक्सेंट है यार। नहीं यार हिंदी नहीं, सही है यार। गुड जॉब गुड जॉब। 10 में से 1 बेटर। 1 रिमेनिंग 9।